Hello children, now I'm going to teach you chapter 3, Lovely Creature. It is about our world. The lesson is, we can find a large number of animals, birds, insects, lizards and fishes in India. Hum Bharat mein badi sankhya mein janwaron, pakshiyon, कीट पतंगों छिपकली मछलियों को पा सकते हैं. दे मेक अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड. ये समस्त जीव जंतु इस संसार को बहुत अद्भुत बनाते हैं. दे मेक आवर वर्ल्ड कलरफुल एंड लिवली. ये समस्त जीव जंतु इस धरती को रंगीन और जीवांत बनाते हैं. लेट अस नो अबाउट टू लवली क्रिएचर. चलो आज हम आप मिलकर दो प्रिय प्राणियों के बारे में जानते हैं. पहला, फर्स्ट, द टेलर बर्ड. अ टेलर बर्ड इज अ स्मॉल बर्ड. एक टेलर बर्ड एक छोटा पक्षी होता है. इट हैज ग्रीन ग्रे अपर पार्ट. उसका ऊपरी भाग ग्रीन हरा और ग्रे कलर का होता है. एंड येलो व्हाइट और ग्रे अंडर पार्ट. उसका अधो भाग येलो व्हाइट और ग्रे कलर का होता है. इट ऑफन हैज चेस्टनट कलर ऑन द हेड. उसका सर चेस्टनट कलर का होता है. इट्स विंग्स आर शॉर्ट एंड राउंडेड. उसके पंख छोटे और गोल होते हैं. इट हैज अ शॉर्ट टेल. इसकी पूंछ छोटी होती है. एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स. और उसके टांगे मजबूत होती हैं. एंड इट्स बिल इज लॉन्ग कर्व्ड. उसकी चोंच लंबी और नुकीली होती है. इट्स टेल इज टिपिकली अप टिपिकली हेल्ड अपराइट. उसकी पूंछ ऊपर और सीधी होती है. टेलर बर्ड्स गॉट इट्स नेम फ्रॉम द वे इट मेक्स इट्स नेस्ट. टेलर बर्ड अपना नाम अपने उस तरीके से प्राप्त किया है जिस तरीके से वह अपना घोंसला बनाती है. इट स्टिचेस टुगेदर टू लीव्स are the two edges of the same leaf to make a pouch. It, tailor bird, stitches, silti hai, together two leaves, do pattiyon ko silti hai, or athwa two edges of same leaf, ek patti ke do kinaron ko silti hai, to make a pouch, ek thaila banane ke liye. It uses its bill as the needle. टेलर बर्ड अपनी चोंच को सुई की तरह प्रयोग करती है. एंड द प्लांट डाउन एज द थ्रेड. और उसमें धागे पिरोती है. इट फर्स्ट पोक अ होल इन द लीफ विथ इट्स बिल. सबसे पहले वह पत्ती को अपनी चोंच से एक छेद करती है. एंड पुश द थ्रेड थ्रू इट. और उसमें से धागे को आगे बढ़ाती है. देन इट मेक अ होल इन एनदर लीफ और एज. तब दूसरी पत्ती या दूसरे छोर पर एक दूसरा होल बनाती है, छेद बनाती है. एंड पुश द थ्रेड थ्रू इट टू. और उसमें से भी धागे को पुश करके निकालती है. इट स्टिचेस द लीफ in many places to join two leaves or edge firmly together. वह दो पत्तियों या दो छोरों को बड़ी मजबूती के साथ जोड़ती है या उसे सिलती है. In it, it makes its nest. उसमें वह अपना घोंसला बनाती है with plant down and hairs. जिसमें वह
बालों या अन्य मुलायम चीजों को रखती है। इट्स नेस्ट इज लाइक अ क्रेडल, उसका घोंसला एक झूले की तरह होता है। इट लेज इट्स एग इन इट, वह उसमें अर्थात उस घोंसले में अपने अंडे देती है। When nestling emerges, it brings food for the little young ones. जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तब वह उन छोटे बच्चों के लिए भोजन लाती है। You need not to go far to see a tailor bird. आपको टेलर बर्ड देखने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। You can find it right in the trees or bushes in your house or neighborhood. आप पेड़ों पर, झाड़ियों में या अपने घर के अड़ोस पड़ोस में टेलर बर्ड को देख सकते हैं। When you are near the trees, just look keenly and you will find many birds. जब आप किसी पेड़ के पास हो तो आप बहुत से चिड़ियों को देख सकते हैं। And other animals there, और वहां और ढेर सारे जानवरों को भी देख सकते हैं। The tailor bird may be one of them, उन चिड़ियों में एक चिड़िया टेलर बर्ड भी हो सकती है। जस्ट ऑब्जर्व इट, उसे ध्यान से देखें। फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से। डोंट गो टू क्लोज, उसके बहुत पास जाने की जरूरत नहीं है। इल्स, अन्यथा। इट विल फ्लाई अवे, वह उड़ जाएगी। चैप्टर पार्ट टू, द चीतल। बच्चों अब हम चीतल नामक एक जानवर के बारे में बात करेंगे या आपको बताएंगे। द चीतल आर चीतल इज अ स्पीसीज ऑफ अ डियर, चीतल हिरण प्रजाति का एक पशु है। एंड इज आल्सो नोन एज स्पॉटेड डियर और एक्सेस डियर, जिसे धब्बेदार चित्तीदार हिरण या एक्सेस डियर भी कहा जाता है। इट इज नेटिव टू आवर कंट्री, इसका मूल स्थान हमारा देश है। अ मॉडरेट साइज मेल चीतल स्टैंड्स एट अबाउट 90 सेंटीमीटर्स एट द शोल्डर, एक नर चीतल कंधों तक लगभग 90 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। वाइल जबकि द फीमेल स्टैंड एट अबाउट 70 सेंटीमीटर्स, जबकि मादा चीतल 70 सेंटीमीटर होती है। द मेल एंड फीमेल चीतल आर डिफरेंट इन द वे दैट द मेल हैव द एंटलर्स व्हाइल द फीमेल डोंट। नर और मादा चीतल में अंतर यह है कि मादा चीतल के सर पर सींगे होती हैं, जबकि मादा चीतल में ऐसा नहीं होता है। इट्स अपर बॉडी इज ब्राउन स्पॉटेड विद व्हाइट, चीतल का ऊपरी शरीर या हिस्सा स्पॉटेड और व्हाइट होता है। व्हाइल इट्स अंडर बॉडी इज जनरली व्हाइट, जबकि चीतल का अधोभाग सामान्यतः सफेद रंग का होता है। इट ईयर्स एंड टेल टू आर व्हाइट, इसके कान और पूंछ भी सफेद होते हैं। द नेम ऑफ चीतल सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड चित्रल आर चित्रा, ऐसा प्रतीत होता है चीतल का नाम संस्कृत शब्द चित्रा या चीतल से लिया गया है। विच मीन्स स्पॉटेड आर ब्राइट इन, जिसका अर्थ होता है स्पॉटेड धब्बेदार या चमकीला। इंटरेस्टिंगली
the word chital too has originated from the same Sanskrit word. Shayad chital शब्द की उत्पत्ति उसी संस्कृत शब्द से हुई है. द चीतल मेजर्ड अबाउट 5 feet फ्रॉम हेड टू टेल. चीतल की माप या लंबाई सर से पूंछ तक लगभग 5 feet होती है. अ मेल वेट 30 to 75 kilograms. एक नर चीतल का वजन 30 से 75 किलोग्राम होता है. While a female is lighter, जबकि मादा कुछ भार में हल्की होती है. And weight 25 to 45 किलोग्राम और उसका भार लगभग 25 से 45 किलोग्राम होता है. Thus, the male chital is larger, heavier than the female chital. इस प्रकार मादा चीतल नर चीतल मादा चीतल से बड़ा और भारी होता है. द मेल हैव द एंटलर्स. नर चीतल के सिर पर सींगे होती हैं, विच आर वेरी प्रिटी टू लुक एट, जो देखने में बहुत सुंदर होती हैं. ईच ऑफ देम इज ब्रांचेड इनटू 3 lines. प्रत्येक सींगों के 3 हिस्से होते हैं. And can measure nearly 1 meter long. और इनकी लंबाई लगभग 1 meter तक होती है. The chital shed its antlers annually. चीतल नर चीतल अपने एंटलर यानी सींगों को प्रतिवर्ष साल में एक बार झाड़ देते हैं, अर्थात गिरा देते हैं. And new antlers grow. और उसके स्थान पर नए सींगों की उत्पत्ति हो जाती है. The cheetahs are active throughout the day. चीतल दिन भर सक्रिय रहते हैं. But they avoid hot temperature. लेकिन वे गर्म जलवायु से बचने का प्रयास करते हैं. So they become more active towards the dusk. इसलिए वो गोधूल बेला में सायंकाल के बेला में अधिक सक्रिय होते हैं. And are less active at noon. और मध्याह्न में वो कम सक्रिय होते हैं. They fall asleep after midnight. वे मध्य रात के बाद सो जाते हैं. For a few hours up to the sunshine. सूर्योदय के कुछ घंटे बाद तक सोते रहते हैं. The herd of चीतल moves in single line. चीतल का समूह एक पंक्तिबद्ध में भ्रमण करता है. Looks around for any possible danger. और अपने आसपास संभावित खतरे को देखता रहता है. When it smells of any danger, जब उन्हें किसी खतरे की महक आती है, it stand motionless, वे गतिहीन होकर खड़े हो जाते हैं. If there is a potential danger, यदि वहां कोई संभावित खतरा है, it flees in group, वे समूहों में दौड़ पड़ते हैं. एंड कैन आल्सो हाइड इन बुशेज, और झाड़ियों में भी छुप जाते हैं. व्हेन इट रन्स, जब चीतल दौड़ता है, इट रेज इट्स टेल, वह अपने दुम को पूंछ को उठाए रहता है. अ डियर कैन रन जंपिंग ओवर ऑब्जेक्ट एज हाई एज 1.5 meters. एक चीतल 1.5 meter ऊंची छलांग लगा सकता है. बट जनरली रन्स अवॉइडिंग एनी ऑब्स्टेकल इन द पाथ, किंतु सामान्यतः रास्ते में आने वाले बाधाओं से बचकर दौड़ने का वह प्रयास करते हैं. द चीतल लिव्स इन अ हर्ड, चीतल समूहों में रहते हैं. अ लार्ज ग्रुप में बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल ग्रुप, बड़ा समूह छोटे समूहों में बटे होते हैं. द प्रीडेटर्स ऑफ द चीतल इंक्लूड वोल्व्स, टाइगर, लायंस, लेपर्ड्स, पाइथन एंड क्रोकोडाइल्स. चीतल के शिकारी होते हैं. इन शिकारियों में सम्मिलित होते हैं भेड़िए, बाघ, शेर, तेंदुए, अजगर और मगरमच्छ.
वाइल्ड फॉक्स एंड जैकाल हंट द इन्फेंट्स, जबकि लोमड़ी और सियार चीतल के बच्चों का शिकार करते हैं। द डियर आल्सो मेक डिफरेंट साउंड लाइक ग्रोलिंग, हिरण या चीतल भिन्न भिन्न प्रकार के गुर्राने की या घुर्राने की आवाज भी करते हैं। इन द फॉरेस्ट सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स गिव अलार्म कॉल व्हेन प्रीडेटर्स आर अराउंड, जंगल में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जब शिकारी आसपास होते हैं तो सूचना शब्दों के द्वारा, आवाजों के द्वारा सूचना देते हैं। द चीतल नोज दीज साउंड, पशु पक्षियों की ये अलार्मिंग साउंड को चीतल समझते हैं एंड कैन रिस्पॉन्ड टू दीज अलार्म कॉल, और उस आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। द चीतल मेक्स कैन फाइट विथ वन अनदर, चीतल एक दूसरे से संघर्ष भी कर सकते हैं। दे नॉर्मली इंटरलॉक देयर एंटलर्स, वे सामान्यतः अपने सींगों को उलझाते हैं, पुश ईच अदर और एक दूसरे को धक्के देते हैं। दोज हु आर पुश्ड अवे एक्सेप्टेड डिफीटेड, जिसे धक्का दे दिया गया उसे हारा या पराजित समझा जाता है। द चीतल एंड लंगूर आर गुड फ्रेंड्स, चीतल और लंगूर अच्छे मित्र हैं। दे ऑफन बेनिफिट फॉर ईच अदर्स कैपेबिलिटी, वे एक दूसरे के अपने गुणों से लाभ भी पहुंचाते हैं। लंगूर हैव अ गुड साइट, लंगूर की दृष्टि अच्छी होती है। व्हाइल द चीटल्स हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, जबकि चीतल की सूंघने की शक्ति अच्छी होती है। दस दे आर एबल टू नोटिस प्रीडेटर्स बेटर टुगेदर, इस प्रकार लंगूर और चीतल शिकारी जानवरों को अच्छी तरह से देख पाने में समर्थ होते हैं। द लंगूर्स आल्सो ड्रॉप फ्रूट्स फॉर द चीतल टू ईट, लंगूर चीतल को खाने के लिए पेड़ों से फल भी गिराते हैं। द चीतल मेनली ईट्स ग्रासेस, इन एडिशन इट आल्सो ईट्स हर्ब्स श्रब्स फॉलिएज फ्रूट्स एंड रूट्स। चीतल मुख्य रूप से घास खाते हैं, इसके अतिरिक्त वे शाक झाड़ी पत्तियां फल और जड़ भी खाते हैं। इट्स लाइफ स्पैन कैन गो अप टू 20 years, इनका जीवन काल 22 वर्षों तक का हो सकता है। एंड अ फीमेल कैन बियर अ चाइल्ड एवरी ईयर, और एक मादा चीतल प्रतिवर्ष एक बच्चे को जन्म दे सकती है। इन इंडिया चीतल इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश राजस्थान बंगाल एंड असम, भारत में चीतल उत्तर प्रदेश राजस्थान बंगाल और असम में पाए जाते हैं। इट इज आल्सो फाउंड इन नेपाल भूटान बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये नेपाल भूटान बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। अ फ्यू ऑफ देम वर आल्सो टेकन टू ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, कुछ चीतलों को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी ले जाया गया है। वेयर दे आर फाउंड इन स्मॉल नंबर्स, जहां वे थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इट फेसेस डेंजर ओइंग टू इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड हंटिंग, अधिक जनसंख्या की वृद्धि और शिकार के कारण इनकी ये संकट को झेल रहे हैं। इट इज गुजरात वेस्ट उत्तराखंड सिक्किम पनिशेबल टू हंट अ चीतल, भारत में कुछ राज्य जैसे गुजरात वेस्ट उत्तराखंड और सिक्किम में चीतल का शिकार एक दंडनीय अपराध है।